काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। प्रियस रिहान, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं कौन सा आपसे कोई कैश मांग रही हूँ, क्रेडिट कार्ड दे दें चल जाएगा। इस महीने की पहली तारीख को 1,00,000 रुपए दिए थे तुम्हें, कहाँ उड़ा है? इतना बड़ा घर है, ग्रोसरी में खर्च हो जाते हैं और भी बहुत सारे। झूठ मत बोलो मुझसे। ग्रोसरी के पैसे मैं तुम्हें अलग से देता हूँ, मुझे उसका हिसाब दो जो पूछ रहा हूँ। 1,00,000 रुपए कहाँ उड़ा है? अब आप मुझसे पाई पाई का हिसाब लेंगे? बिल्कुल हिसाब नहीं। यहाँ पैसा फालतू का नहीं बट रहा है जो तुम अपने भूखे नंगे रिश्तेदारों के ऊपर लुटाती फिरो। अब आप मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती तो मैंने अब तक की नहीं। ये जो तुम अपने अपने घर वालों के सामने अपने पैसों की अपनी अमीरों की शो मारती हो ना, ये सारा मेरा पैसा है, हक हलाल का पैसा है मेरा, हराम का पैसा नहीं है जो तुम लुटाती फिरती हो। तुम्हारे दम पर जो अभी ने पैर रखा हुआ था ना, बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। पाई पाई का हिसाब लेते थे तुमसे तब बिल्कुल सही चलती है, क्योंकि तुम जैसी औरत के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। रिहान अब आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। आवाज नीचे करो अपनी, बिल्कुल आवाज नीचे, और मेरी बात कान खोल कर समझ लो। आज से तुम्हें सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितनी तुम्हारी जरूरत है, उसके आगे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें जितना कपड़ा लत्ता चाहिए मैं लेकर आऊंगा, घर के सारा सामान बाहर का वो भी मैं लेकर आऊंगा। शरीफ औरतों की तरह घर में बैठो, घर के काम काज करो, और अगर बाहर जाने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ जाओगी। मेरे बगैर अगर तुम घर से बाहर निकली ना, तो याद रखना दोनों टांगे तोड़ के कमरे में डाल दूंगा तुम्हें। इस इंसान में तो अब्बी की रूह आ गई है। बिल्कुल जैसे वो अम्मी के साथ सलूक करते थे वैसा सलूक मेरे साथ करना शुरू हो। मुझे तो लग रहा है किसी ने काला जादू करवाया। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, अच्छे खासे घर को बर्बाद करके रख देते हैं। इंसान पे आई हुई हर मुसीबत जादू या टोना नहीं होती, कभी कभी इंसान के अमाल भी होते हैं। किसी मजलूम का सब्र भी राह में रुकावट बन जाता है। हलीमा भी आपको क्या लग रहा है, मैंने किस पे जुल्म किया? वो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। वाह आप वो नहीं कर, ये ले चाय पिए।